Hey everyone, welcome to my channel Flaws. Today I am up with a revision capsule entitled as Jurisprudence. Jurisprudence एक बहुत ही theoretical subject है और इसमें plenty of definitions हैं different jurist की, different topics से related. Definition of jurisprudence, definition of law, sources of law, ownership, possession, rights, duties and many others. तो बहुत सारे topics हैं, different jurist की अपनी definitions हैं, तो paper के पहले उसे revise करना और retain करना थोड़ा difficult काम हो जाता है. इसीलिए जब मैं CLAT के LLM के लिए prepare कर रही थी, उत्तर प्रदेश judiciary और उत्तराखंड judiciary के लिए मैं prepare कर रही थी, तब मैंने capsule प्रिपेयर किया था ताकि मेरा रिवीजन एस्पेक्ट एकदम इजी रहे रिलेटेड टू ज्यूरिसप्रूडेंस, क्योंकि ज्यूरिसप्रूडेंस से काफी क्वेश्चंस आते हैं आपके प्री के पेपर में. तो मैंने इंश्योर किया था सारे जितने भी इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं उनकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं. अब सारी डेफिनेशंस तो याद नहीं रहती हैं, तो उन सारी डेफिनेशंस की जो की पॉइंट्स हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकते हैं वो मैंने कार्व आउट करे. हर एक टॉपिक की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जितना मैं प्रिसाइज कर सकूं वो मैंने किया. प्रीवियस ईयर MCQs जितने इंपॉर्टेंट थे 10 ईयर्स के वो मैंने इनकॉर्पोरेट करके एक कैप्सूल अपने ने प्रिपेयर किया था अपनी प्रिपरेशन के लिए. वो कैप्सूल मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड होपिंग कि आपको जरूर बेनिफिट करे. अगर आप ये कैप्सूल लेना चाहते हैं तो इस कैप्सूल की PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं. आप कोई भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो ज्यूरिसप्रूडेंस से रिलेटेड, स्पेशली अगर आप उत्तराखंड जुडिशरी और यूपी जुडिशरी देना चाहते हैं या LLM देना चाहते हैं, तो ये कैप्सूल आपको जरूर बेनिफिट करेगा. अब मैंने इस कैप्सूल में क्या क्या इनकॉर्पोरेट किया है चलिए वो देख लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको कैप्सूल के कुछ पेजेस से भी एक्वेंट कराती हूं. तो सबसे पहले मैंने इस कैप्सूल में कवर किया है आपकी ज्यूरिसप्रूडेंस की डेफिनेशन को. डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने जो भी डेफिनेशंस दी हैं वो पूरी पूरी डेफिनेशंस नहीं है, उस ज्यूरिस्ट का नाम है और उससे रिलेटेड जो की पॉइंट है डेफिनेशंस के वो हैं आपके. फिर ज्यूरिसप्रूडेंस के स्कूल्स, अब हर एक ज्यूरिस्ट के हिसाब से अलग अलग ओरिजिनेशन है लॉ की, तो उनका जो अलग अलग थॉट प्रोसेस है वही डिफरेंट स्कूल्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस है. तो जितने भी टाइप के आपके स्कूल्स हैं मैंने उन्हें ले डाउन किया, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं उनकी जो डेफिनेशंस के की पॉइंट्स हैं मैंने उन्हें इनकॉर्पोरेट किया है. फिर डिफरेंट ज्यूरिस्ट के द्वारा जो लॉ की डेफिनेशंस दी गई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, जो पनिशमेंट की थ्योरीज हैं उन्हें मैंने एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. उसके बाद जो आपके लॉ के सोर्सेज हैं उनमें जो भी उनके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, कस्टम से रिलेटेड, लेजिस्लेशन से रिलेटेड, प्रीसिडेंट से रिलेटेड एंड मेनी अदर्स. फिर लीगल पर्सन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक आध क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाता है उत्तराखंड और यूपी जुडिशरी में. लीगल पर्सन स्पेसिफिकली वो पूछ लेते हैं कि वेदर दीज कैटेगरी ऑफ पर्सन आर ट्रीटेड टू बी लीगल और नॉट, कौन सी कैटेगरी नहीं ट्रीट होती है, तो लीगल पर्सन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसके बाद आपका कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी आता है, ये भी काफी बार पूछा जाता है और पूछा गया है क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े हैं और मैंने खुद पेपर दिया है तो मुझे पता है इसे पूछा जाता है. इसकी थ्योरीज भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने इनकॉर्पोरेट करी है. सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन का जो केस लॉ है वो भी इनकॉर्पोरेटेड है, सब बहुत प्रिसाइज और इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट वे में इनकॉर्पोरेटेड है. ओनरशिप एंड पजेशन, इनके काइंड्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनकी थ्योरीज क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज की डिफरेंट डेफिनेशन जो डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने दी है. ज्यूरल रिलेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लैट के LLM के पेपर में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो भी जुडिशरी का पेपर होगा उसमें भी आपको मिलेगा. एक तो सैलमेंट ने आपके जूरियल रिलेशंस दिए थे, फिर आपके होफील ने दिए थे, तो दोनों ही मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस कैप्सूल की है जिसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया वो है प्रीवियस ईयर MCQs. यूपी और उत्तराखंड और दूसरी स्टेट्स में जहां पर ज्यूरिसप्रूडेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, मैंने सारी उन स्टेट्स के पिछले 10 साल के पेपर से क्वेश्चंस को कंपाइल कर दिया और फिर मैंने उसे प्रिपरेशन की थी और उससे क्वेश्चंस आए थे, तो इसीलिए मैंने उन चीजों को भी इस कैप्सूल में इनकॉर्पोरेट किया है. आई होप ये कैप्सूल आपको जरूर बेनिफिट करे. अगर आप इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो इस कैप्सूल की PDF की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं. अब चलिए मैं आपको दिखाती हूं अपने कैप्सूल के कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस जो आपको इस कैप्सूल से एक्वेंट करेंगे. ये है आपका ज्यूरिसप्रूडेंस का कैप्सूल जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं. पहले मैंने डेफिनेशंस ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस बताया है जिसमें मैंने बताया है ऑस्टिन, हॉलैंड, डिफरेंट ज्यूरिस्ट की उनकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के की पॉइंट्स मैंने इनकॉर्पोरेट किए हैं. उसके बाद मैंने आपको बताया है स्कूल्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस 6 टाइप्स के आपके स्कूल्स हैं मैंने उनको बताया है. फिर डिटेल में कैप्सूल में मैंने आपको बताया है कि इन स्कूल्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताए हैं लॉ के बारे में, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उनसे की पॉइंट्स को डील किया है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में आपके उत्तराखंड और यूपी जुडिशरी में स्पेशली जो पूछे गए हैं.
जैसे jurisprudence as a separate branch of discipline, इसको किसने स्टार्ट किया था, तो रोमन्स ने स्टार्ट किया था. प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ नेम्ड बुक किसने लिखी है, जूलियस स्टोन ने लिखी है. ऑस्टिन की बुक द प्रोविंस ऑफ jurisprudence क्या डिटरमाइन करती है, तो जो उन्होंने लंडन यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स डिलीवर किए थे वो उसे डिटरमाइन करती है. तो ऐसी बहुत जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें मैंने इनकॉर्पोरेट किया है. आई होप ये कैप्सूल आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करे. अगर आप इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो इसकी PDF की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इसे एक्सेस कर सकते हैं. और भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के कैप्सूल्स चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंटरनेशनल लॉ चाहिए, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ भी बहुत वाइड है, मैंने उसका भी कैप्सूल प्रिपेयर किया था, अगर आपको वो कैप्सूल चाहिए, या फिर अगर आप मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लोकल एक्ट का कैप्सूल चाहिए, किसी भी चीज़ का आपको कैप्सूल चाहिए, आप प्लीज़ नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिए. आई कैन प्रिपेयर दोज थिंग्स एंड डिलीवर इट टू यू. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बिफोर यू लीव डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड प्लेस योर कॉमेंट.